आज की क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम लोग समर स्पेशल वाइटनिंग फेस पॉलिश किस तरह से कर सकते हैं, या सलोन में वाइटनिंग फेस पॉलिश बहुत ही आसान तरीके से और किन किन प्रोडक्ट्स के साथ की जाती है। ये एक सलोन का सीक्रेट होता है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस ऑयली और चिपचिपे वेदर में, चिकने वेदर में, गर्मी वाले वेदर में हम किस तरह से क्लाइंट को स्किन पॉलिश या फेस पॉलिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्लाइंट के फेस को अच्छी तरह से किसी भी फेस वॉश के साथ क्लीन कर लो ताकि जितना भी डस्ट है, फेस के ऊपर चिपचिपाहट है, चिकनाहट है, वो प्रॉपरली क्लीन हो जाए। क्योंकि हम इसके ऊपर डायरेक्टली फेस पॉलिश बनाकर या स्किन पॉलिश बनाकर लगा देंगे तो रिजल्ट्स हमें 100% अचीव नहीं होंगे। लेकिन अगर हम क्लाइंट के फेस को अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लेते हैं, वाइप आउट कर लेते हैं, तो फिर इससे क्या होता है कि हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं। फेस वॉश के साथ आपको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करना है और फिर उसे वाइप कर लेना है। अच्छा जी, जो आज फेस पॉलिश के लिए मैं प्रोडक्ट मैंने दराज से ऑर्डर किया था और ऑलमोस्ट 400 या 450 इसकी प्राइस थी, लेकिन इसके अमेजिंग रिजल्ट्स थे, अमेजिंग। मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगी आप लोगों को, आप लोग जाओ दराज पे, इस प्रोडक्ट का नाम लिखो और आप लोग इसको बाय कर सकते हो। अच्छा जी, जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैंने ली थी वो मैंने ली थी ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून मैंने इसका पाउडर लिया था, मतलब ब्लॉन्डर पाउडर लिया था, और 1 टीस्पून जो मैंने लिया था वो मैंने डेवलपर लिया था, मतलब 20 वॉल्यूम लिया था, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डर्माकॉस का ऑक्सी ग्लॉस डाला था 1/4 टीस्पून। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ के केमिस्ट का एंजाइम पाउडर, जो कि बहुत सारे चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये भी मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून लिया था, आप लोगों को इतनी ही क्वांटिटी लेनी है। इसके बाद मैं गोल्डन गर्ल वालों का वाइटनिंग पाउडर ले रही हूँ, आप किसी और ब्रांड का भी वाइटनिंग पाउडर ले सकते हो, और ऑलमोस्ट यही 1/4 टीस्पून मैंने इसको लिया था। और अब मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप लोग चाहो तो इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये एक सलोन का सीक्रेट्स प्रोडक्ट है। यहाँ पर लड़कियों को नहीं पता होता है कि हमें विंटर में, समर में किस तरह से स्किन पॉलिश क्लाइंट के फेस पे करनी चाहिए। ज़्यादातर प्रोडक्ट जितने भी कोशिश करनी है कि ज़्यादातर प्रोडक्ट हम जो यूज़ करेंगे ना वो ऑयल फॉर्म में ना हो, वो पाउडर फॉर्म में हो। जैसे मैंने एंजाइम पाउडर यूज़ किया, वाइटनिंग पाउडर यूज़ किया, क्योंकि बहुत सारे लोग वाइटनिंग कैप्सूल और ये सारी चीज़ें भी ऐड करते, तो इससे क्या होता है कि स्किन और मज़ीद ऑयली होती है और फिर एक्ने निकलने का डर होता है। तो बेटर है कि जब भी हम लोग इस तरह की स्किन पॉलिश इस वेदर में बनाएं, इसमें प्रोडक्ट्स हमें पाउडर फॉर्म में यूज़ करने हैं, और ये बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। इससे क्या होता है कि ना ऑयली स्किन होती है, ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं होती है, एक्ने आने का डर नहीं होता है। अच्छा जी, प्रोडक्ट को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना अच्छी तरह से मिक्स करोगे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि अगर लम्स रह जाएगा ना तो क्लाइंट को फेस पे रैशेज होंगे, रेडनेस भी हो सकती है। अच्छा, इसको अप्लाई करने से पहले आप एक काम ये कर सकते हो कि क्लाइंट के फेस पे हल्के से सूथिंग लोशन की लेयर लगा दो, ताकि अगर किसी के फेस पे भी एक्ने है ना तो उसको कोई भी हार्म ना हो, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक आपको, 15-20 मिनट्स तक आप इसको लगा के छोड़ोगे और फिर वेट स्पंज के साथ या वेट टिश्यूज़ के साथ आप अच्छी तरह से क्लीन कर लोगे। और क्लाइंट के फेस को रिलैक्स करने के लिए हम इसके बाद क्लाइंट के फेस पे कोई भी अच्छा सा मास्क यूज़ कर लेंगे। आप मड मास्क भी यूज़ कर सकते हो, मैंने सॉफ्ट टच ब्रांड का मास्क लिया है। आप लोग और भी बहुत सारे मास्क जो वेरिएंट्स अवेलेबल है या आपके सलोन्स में जो भी इजीली अवेलेबल है, आप उसको लगा के तकरीबन 15 मिनट तक छोड़ दोगे, तो इसके बाद आपको इस स्किन पॉलिश या फेस पॉलिश के रिजल्ट्स इतने अमेजिंग मिलेंगे। और आप इसके जो प्राइस है ना अपने सलोन में 400 या 450 तक भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आज का सवाल ये कि ये जो फेस पॉलिश आज मैंने आप लोगों को बताइए, ये किस वेदर में सूट करती है और मैंने कितने प्रोडक्ट्स इसमें ऐड किए हैं, उनकी नेम की लिस्ट आप मुझे नीचे बता दो। अच्छा, मास्क जब ड्राई हो जाए ना 15 मिनट्स बाद, तो आप लोग क्या करोगे, अपने हाथों को वेट करोगे, अच्छी तरह से रब आउट करोगे और फिर वेट स्पंज या वेट टिश्यू के जरिए आप अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लोगे, और फिर रिजल्ट्स आप लोग देखना कितने अमेजिंग है। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को रिजल्ट्स कैसे लगे, और आंसर, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना है वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद। अल्लाह हाफिज़।